हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फिजिक्स गुरु क्लासेस। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 14.1। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको क्या करना है, आज फैक्टर हम लोग सीखने जा रहे हैं। फैक्टर का बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपने क्लास 7 में फैक्टर नहीं सीखा है तो क्लास 8 में प्लीज सीख लें, ताकि आपको क्लास 9th और 10th आपकी बेस्ट हो जाए, क्योंकि बिना फैक्टर के आप 9th और 10th नहीं पढ़ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले देखो फैक्टर में करना क्या होता है। 12 है तो ये 12 एक्स है, इसे आपने ऐसे करके तोड़ना था 12 को, ठीक है। 2 से 6 आएगा, 2 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा। यहाँ पे लिख देना है 2 × 2 × 3 × 1 इंटू एक्स है, तो एक्स लिख देना साथ में। ओके, सेम वे 36 है, कितना है 36 है, 36 को इस तरह से करेंगे हम लोग 36 को, तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और ये 3 जा 1। क्या लिखा आपने, 2 × 2 × 3 × 3। क्या मैच कर रहा है दोनों में, क्या मैच कर रहा है, ये 2 जा मैच कर गया, एक 3 मैच कर गया, तो आपने क्या लिखना है, फिर आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज क्या है था, 2 × 2 × 3 = 12 आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम लोग। अब 2xy है, 2y को हम क्या करें, 2 × y, 22xy है, 22 को फैक्टर करोगे आप 2 × 11 × x × y। ओके, अब देखना क्या मैच कर रहा है, 2 मैच हो रहा है, 2 यहां लिख देंगे, फिर क्या मैच हो रहा है, y मैच हो रहा है, y यहां लिख देंगे, तो आपका यही हो गया कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2y, आपका ये आंसर हो गया। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, 14pq 28p² q² तो फैक्टर करो 14pq = 2 × 7 × p × q, 28 का p² q² 28 को फैक्टर करोगे 2 × 2 × 7, 7 × 4 = 28, p × p × q × q, क्या मैच हो रहा है, 2 मैच हो गया यहां लिख देना है, फिर 7 मैच कर रहे हैं तो 7 यहां लिख देना है, फिर P और ये P लिख देना है, फिर Q और ये Q लिख देना है, यहाँ पे ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, आपका कितना आंसर हो गया 14PQ, आपका ये आंसर है। ओके, राइट हो गया। 2x का क्या लिखते हैं, 2 × x, 3x² का क्या लिखेंगे, 3 × x × x, 4 का क्या लिखेंगे, 2 × 2, क्या मैच हो रहा है यहाँ पे, तो यहां से देखो जो टर्म तीनों में मैच होगा वही हम आंसर लिखेंगे, तो 2 तो मैच नहीं हो रहा है, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 मैच नहीं हो रहा है, क्या मैच हो रहा है आपका, ओनली 1 मैच हो रहा है, क्या मैच होगा 1, कुछ नहीं मैच होगा तो हमेशा 1 मैच होता है, आपका कॉमन फैक्टर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने जा रहे हैं, क्या लिखा है, 6abc 24ab² और 12a² b, फैक्टर करेंगे 6abc का क्या होगा, 2 × 3 × a × b × c, 24ab² का करेंगे 2 × 2 × 8 × 3 = 24, 8 हो गया और ये 3 = 24, × a × b × b, 12a² b का क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 = 12, a × a × b, सबसे पहले यहां मैच करते हैं, 2 सब में मैच हो रहा है, 2 लिख दिया है, फिर क्या मैच हो रहा है, 3 देखो सब में 3 मैच हो रहा है, 3 लिख देना है, फिर क्या मैच हो रहा है, a सब में मैच हो रहा है, a लिख देना है, फिर देखना सब में b मैच हो रहा है, b लिख देना है, आपका कॉमन फैक्टर ये हो गया, कितना आया 6ab, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग, राइट ऑन कर लें। नंबर 6 आपका 16x³ − 4x² 32x, तो क्या करेंगे, 16x³ को फैक्टर करेंगे,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 16 कंप्लीट। एक्स क्यूब को एक्स मल्टीप्लाई एक्स, माइनस 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस का मान लिख लेंगे आगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, 32x को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम लिख देंगे तो 32 कंप्लीट होता है, और इंटू एक्स। सब में करो, मैच करो, कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसका, क्या मैच हो रहा है, 1 2 1 2 2 2, सब में मैच हो गया 2 और 2। फिर क्या मैच हो रहा है, x 1x 1x 1x, सभी में 1x मैच हो गया। आपका आंसर कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4x आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लग रही, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी। फर्स्ट का 7 क्वेश्चन, क्या लिखा है, टेन पी क्यू, इसका फैक्टर कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू p मल्टीप्लाई q, 20 pqr, इसका फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई q इंटू r, ओके 30 pr p है, 30 rp, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 6 5 30 होता है, r इंटू पी, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आप देखो, 1 2 3 सभी में 2 मिल गया। फिर क्या मिल रहा है, मैच कर रहा है 3 5 5, देखो सभी में है, फिर क्या मैच कर रहा है, पी पी देखो सब में है, नहीं है, क्यू देखो क्यू भी नहीं है, आर आर भी नहीं, ओनली आपके पास क्या होगा कॉमन फैक्टर, 10 आपका आंसर होगा, ये ओनली 10, जो चीज सभी में मैच होगी वही आपने आंसर देना, ओनली 10 ही मैच हो रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 3x² y³, 3 × x × x × y को 3 टाइम लिख देंगे, y × y × y, 10x³y² 2 × x × x × x, y × y, ओके। फिर 6x² y² z, 6 का क्या लिखेंगे, 2 × 3x × x × y × y × z, सब में क्या मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे ओनली डिजिट में कोई मैच कर रहा, देखो नहीं, इसमें 3 नहीं है सबके पास, 5 भी नहीं है। फिर देखेंगे एक्स, एक्स देखो ये 2x, यहाँ एक्स 2x, यहाँ पे भी 2x, एक्स इंटू एक्स मैच हो गया। फिर देखेंगे वाई, यहाँ पे देखो 2y है, यहाँ पे भी y × y, फिर देखेंगे क्या मैच हो रहा है, कुछ मैच हो रहा है नहीं, तो आपका ओनली आंसर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, x² y² आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके राइट। और फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।